हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू एग्रीकल्चर एजुकेशन स्टेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी कोचिंग संस्थान भी सक्रिय हो चुके हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कैसे करें, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि हम ये जो लिमिटेड जो टाइम पीरियड है इसमें पढ़कर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाएँ। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कैसे करें इस बिंदु पर। सबसे पहला जो इस पर स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे, सबसे पहला हमारा बिंदु है कि हम क्या पढ़ें। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ स्टडी आप जितनी कर पाओगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेल्फ स्टडी आप कितने टाइम करते हैं और उसमें क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ें। जैसा कि स्टूडेंट्स से बात होती है, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं उनमें मैसेज आते हैं कि सर हमें नोट्स दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि नोट्स को आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करना है। आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है। बुक्स मीन्स कि जो अच्छी बुक्स हो, जिनमें मैटर अच्छा दिया हुआ हो, सिलेक्टेड मैटर हो। नोट्स में क्या है कि कई चीज़ें अनावश्यक चीज़ें लिखी हुई होती है। जैसे नोट्स भी दो प्रकार के होते हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूट के हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, या आपसे कोई सीनियर कोई पढ़ा हुआ है उनके जो है नोटबुक्स उन्होंने बना रखी हो, तो वो हमें नहीं पढ़ने हैं। अगर आप नोट्स है तो आपके खुद के ही नोट्स आपको बनाने हैं, वही पढ़ने हैं। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स की बात करें तो उनमें आप भली भांति यह चेक कर लेवे कि मैटर जो दिया है वो सिलेक्टेड दिया है या काफ़ी चीज़ें कोई जो नोट्स टाइप पिंग जो किए हुए नोट्स होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी अनावश्यक चीज़ें भी होती है। तो उन चीज़ों को नहीं पढ़कर आप अच्छी सिलेक्टेड बुक्स ही पढ़ें, ये मेरा आपको सुझाव है। और बुक्स भी वो पढ़ें जो उनमें अच्छा मैटर दिया हुआ हो, उसको जांच परख कर, क्योंकि आपको लिमिटेड बुक्स पढ़नी है। इसमें ऐसे नहीं कि आप अलग अलग राइटर की 10 किताबें पढ़ रहे हैं। एक ऐसी पुरानी कहावत है कि आप 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें। 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ें। तो नोट्स में वही होता है, आपने इस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए या उस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, उस आपका कोई ब्रदर है कज़न है उनके नोट्स ले लिए और उनको आप पढ़ रहे हो। फिर जब एग्ज़ाम तक आप काफ़ी सारे नोट्स पढ़ लेते हो और उनको रिकॉल नहीं कर पाते हो तो वो चीज़ें याद नहीं रह पाती है। लास्ट टाइम पे उनका रिवीजन होना या एक ही किताब को मिनिमम 8-10 बार पढ़ना ज़रूरी है, तब जाके वो बुक अच्छे से आपको याद हो पाएगी और आप जितने भी उस बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज़ आप अलग अलग मैटर पढ़ेंगे, 10 अलग अलग किताबें पढ़ेंगे एक एक बार, तो उनमें जब पेपर देने आप बैठेंगे तो सारी चीज़ें कन्फ्यूज में रहोगे आप, कि जैसे चार ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, 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 ये स्थिति रहेगी आपके सामने। अगर आपने एक ही किताब को 10 बार पढ़ा है तो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ इसका आंसर ये है और आप उस पर टिक मार्क करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी मैटर पढ़े वो सिलेक्टेड पढ़े और इधर उधर के नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़े, क्योंकि नोट्स से अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ें, अच्छे राइटर की और अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ें ताकि आप अच्छा मैटर पढ़ पाए और उसको बार 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 उसी मैटर को पढ़ पाए। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है वो इतना टफ नहीं है, इतना डीपली नहीं है। आप सिलेक्टेड अगर 2-3 बुक्स, जैसे एग्रीकल्चर के लिए 3 बुक्स है, वो सिलेक्ट कर लेंगे तो इस ड्यूरेशन में आप पढ़ भी लेंगे और वो अच्छे से आपको याद भी रहेगा। अगर आप 10 किताबें पढ़ रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, या नोट्स पढ़ रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जैसा कि आपको पता है अगस्त में एग्ज़ाम होना है, संभावित है अगस्त में, तो तब तक के लिए आपको सिलेक्टेड मैटर ही पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक
हो सके। ये तो होगी मैटर की बात कि हमें नोट्स नहीं पढ़ने हैं और मैक्सिमम हमें बुक्स को ही प्रेफर करना है, और बुक्स में भी सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है। जैसे एग्रीकल्चर में 3 बुक्स है, सफिशेंट है, 6 बुक अगर आप लोगे तो, और जीके जो है उसमें एक या दो बुक मैक्सिमम। जीके में तो इतना ही मैटर है, 1 बुक में भी सफिशेंट हो जाएगा, और हिंदी में 1 बुक है तो वो सफिशेंट है। बस एग्रीकल्चर में आपको 3 बुक्स पढ़नी है, तो कोई ज़्यादा टफ और डीप मैटर नहीं है। आप अगर अच्छे से सिलेक्शन करोगे बुक्स का तो आप पढ़ लोगे, उसमें कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सेल्फ स्टडी जैसे बुक्स से कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या करें। तो उसके अलावा आपको या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग करें, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट का, मैं नाम आपको फ्री प्रेरण नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो अच्छा, जिनके अच्छे क्लासेज हो, अच्छा रूटीन वर्क चल रहा हो, तो उनके किसी भी एक ऐप को आप ऐप पे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का कोर्स खरीद कर उससे आप तैयारी करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है कि हम जैसे अब कोई 12th पास स्टूडेंट है तो वो, उसे लेवल पता नहीं रहता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे सुपरवाइज़र की आप किसी कोर्स को खरीद कर आप उससे तैयारी करेंगे, तो उससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुझे चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ छोड़नी है। तो ये कोचिंग, और फिर दूसरी बात, कोचिंग में जैसे कई चीज़ें आप, जैसे एग्रीकल्चर के लिए आपने बुक सिलेक्ट कर ली, वो पढ़ रहे हो, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो कोचिंग वाले बता देते हैं, तो हम जब सुनते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से याद होती है। कई चीज़ें बुक्स में, कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही है तो वो जब हमें समझाएंगे तो उससे वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, और उसको हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए कोचिंग करना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन आप तैयारी कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग कीजिए। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन भी प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल काफ़ी सस्ते मूल्य में आपको ऐप मिल रहे हैं, कोर्स मिल रहे हैं। आजकल ये नॉर्मल बात हो गई कि हर इंस्टीट्यूट ऐप, उनके ऐप पे उनके कोर्सेज अवेलेबल है, और रेट भी उनके ज़्यादा नहीं है। अप्रोक्स 1000 रुपये का समथिंग फीस रहती है उनकी, तो उससे आप वो खरीद कर उससे तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन तो बहुत अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कोचिंग का सहारा आपको ज़रूर लेना है, कोचिंग ज़रूर करनी है, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, और उसमें रूटीन होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें रूटीन होना चाहिए कि मुझे क्लास लेनी है। ऐसे नहीं कि जैसे ऑफलाइन में तो हमें जाना पड़ता है, ऑनलाइन में ये है कि हमने ज्वाइन किया तो किया, क्लास ली तो ली, नहीं तो नहीं ली। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आपको अगस्त तक का टाइम है, लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको जी जान लगानी है। क्योंकि इसमें फॉर्म जो है वो BSc, MSc, यहाँ तक कि PhD वाले भी फॉर्म भरते हैं। तो जैसे 12th पास स्टूडेंट है तो वो नॉर्मल समझे कि हाँ मेरा सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और जी जान लगाकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि एग्ज़ाम टफ है, एग्ज़ाम टफ नहीं है। ये जो टाइम दिया हुआ है फरवरी से जो अगस्त तक का जो टाइम है वो काफ़ी है, सफिशेंट टाइम है, अगर आप इसका अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो। और अगर आप नॉर्मल रहोगे कि हाँ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर मुश्किल है। क्योंकि फॉर्म जो है वो 1.5 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तैयारी करने वाले होते हैं, तो आपको तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि हाँ फॉर्म भर दिया और हो जाएगा, होगा तो नहीं। अगर आप या तो तैयारी करें नहीं, और करें तो जी जान लगा कर करें, उसमें सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो जो बुक्स है, बुक्स की जो बात है वो मैंने बता दी कि सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है। दूसरी बात है कि कोचिंग संस्थान का सहारा लेना है, चाहे वो ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो। तीसरी बात यह है कि टाइम जो है स्टडी में जो टाइम देना है, जितना जैसे 24 आवर्स है उनमें से जितना आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो उतना दीजिए। क्योंकि ये जो मौका है वो गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए, और फिर पता नहीं कब ये वैकेंसी आएगी, कब मौका मिलेगा। अभी आपको जो टाइम मिला है उसमें आप जितने भी घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। क्योंकि जो पढ़ोगे तो वो आपके खाते में रहेगा, आप प्लस में रहोगे,
उसमें कहीं आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और थोड़ा मेरा सजेशन आपको ये भी है कि आप अगर घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा बाहर जाए, बाहर जाए। भले ही जो 5-6 महीने का किराया है आपके रूम का लग रहा है, खर्चा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे रहकर तैयारी करने से बेटर यह है कि आप बाहर रहकर तैयारी करें, क्योंकि आप घर पे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं हम स्टडी को। बाहर जो है हम मैक्सिमम टाइम स्टडी को दे पाते हैं, क्योंकि घर पे हम इतने सीरियस नहीं रहते हैं, और बाहर रहते हैं तो हमें थोड़ी माइंड में टेंशन भी रहती है कि हाँ हम बाहर हैं, तो वहाँ बस काम यही है कि पढ़ना और सोना, दो ही काम है। तो बाकी काम खूब होते हैं, लेकिन काम अपने को उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी करने वाले के लिए तो काम बाहर भी खूब है और घर पे भी खूब है, लेकिन हमें वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें स्टडी करनी है। और बाहर रह के मेरा मतलब ये है कि जैसे हम बाहर रह के पूरे नाइट पढ़ाई कर सकते हैं, पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हैं, जितना सोना हो उतना सो लिया, और उसके बाद में मैक्सिमम टाइम हम पढ़ाई में दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बाहर रहोगे, वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, घर पे तमाम काम होते हैं, कई कभी कौन आ रहा है कभी कौन जा रहा है, तो ये काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस घर पे होते हैं जो बाहर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो इसलिए आप जितना टाइम दे पावे उतना टाइम देवे, और सेलेक्टेड नोट्स पढ़े, और सेलेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा ले ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो इस तरह से 3 बिंदु है जिनका आप ध्यान रखें, और आगे भी हम इस बात पर चर्चा करते रहेंगे। और अगर आपके कोई सवाल है, अगर आपके कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।